हल्द्वानी शहर को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है और प्रवेश के द्वार हल्द्वानी के काठगोदाम में कलसिया पुल पिछले 10 महीनों से नहीं बन पाया है। 10 महीनों से वैली ब्रिज पर ही यातायात चल रहा है। इस पुल को कुमाऊं की लाइफलाइन भी कहा जाता है क्योंकि यह पुल कुमाऊं और मैदान को जोड़ता है और हजारों लोग रोज इस पुल से आवाजाही करते हैं। मैदान और पहाड़ को जोड़ने वाला वैली ब्रिज पुल पिछले 10 महीनों से नट बोल्ट पर टिका हुआ है। हाल ऐसा है कि इस पुल के रोज नट बोल्ट टाइट कर एक दिन में करीब हजारों यात्रियों को इस पुल से गुजारा जा रहा है। इस पुल को बनाने के लिए कई टेंडर निकाले गए लेकिन ठेकेदार नहीं मिल पाए। पुराने बजट पर कोई भी ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। स्थानीय निवासी हेमंत शर्मा का कहना है कि यहां नया पुल बनाया जाना था लेकिन यहां वैली ब्रिज से ही काम चलाया जा रहा है। आए दिन यहां पर मोटरसाइकिल वाले गिरते रहते हैं, कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सरकार को समय सीमा पर यहां पुल बनाना चाहिए। न्यूज 18 की टीम ने एनबी थापा सहायक अभियंता एनएच से बात की तो उन्होंने बताया कि कलसिया नाले पर वैली ब्रिज लगाया गया था। वैली ब्रिज अस्थाई होता है और इस पर यातायात ज्यादा है क्योंकि वह कुमाऊं को जोड़ने वाला पुल है, इसलिए पुल के रोज नट बोल्ट कसे जाते हैं। कई बार पुल के टेंडर आमंत्रित किए गए लेकिन ठेकेदार नहीं आए। अब इसे टू लाइन परियोजना में शामिल किया गया है। जी, पुल से यहाँ पे के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है और आए दिन पुल की दिक्कतों की वजह से कि यहाँ पे हादसे होते हैं, कोई कोई बाइक वाले गिरते रहते हैं, पुल ढीला भी हो जा रहा है। कोई बड़े हादसे का शिकार कोई ना हो, इसलिए प्रशासन को जिम्मेदारी के तौर से इसको जल्द से जल्द इसका कार्य पूरा कराना चाहिए ताकि जो असुविधा हो रही है यहाँ पे की जनता को वो जल्द से जल्द समाप्त हो। बोल बहुत ख़राब हो रहे हैं, मतलब रोज कसते हैं लेकिन आए दिन वो ढीले हो जाते हैं। हो सकता है कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, तो इसलिए प्रशासन को गंभीरता से इस विषय को लेते हुए इस पे जल्द से जल्द कार्य कराना चाहिए। सर, इसमें ऐसा है, रोज़ वो आते हैं इनके पीडब्ल्यूडी के लोग कस के चले जाते हैं, जितना उनसे काम होता उनके जाते ही इसके गाड़ी, जैसे इसके गाड़ी चढ़ती इस पर फिर ढीला आता है, तो समझ लीजिए इसके इतना हल्ला गुल्ला करता है, यहाँ कोई नहीं सो पाता इस मोहल्ले में, बिल्कुल इतनी परेशानी है, इतनी गड़गड़ाहट करता है जैसे कि ट्रेन, कोई ट्रेन गड़गड़ाहट करती है यहाँ, और इतना वाला नहीं है। 2 महीने से यहाँ कोई देखने नहीं आया इस पुल को, पूरे कुमाऊं भर के इतना ट्रैफिक है इस पर कि आप यहाँ बैठ नहीं सकते 2 मिनट, इतने हल्ले गुल्ले में, और यहाँ कोई देखने नहीं आता। कलसिया पुल में जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, 4-5 बार हम लोगों ने इसकी निविदाएँ आमंत्रित कर दी हैं लेकिन कोई किसी भी ठेकेदार ने अभी तक निविदा नहीं डाली हैं, तो इसलिए अब हमने इसको जो है, जैसे हमारा काठगोदाम से नैनीताल मोटर मार्ग में 2 लेन में चौड़ीकरण में DPR का गठन किया जा रहा है जो कि प्रगति पर है, अभी फॉरेस्ट पेपर्स वगैरह उसके बन रहे हैं, तो उस चौड़ीकरण के DPR में ही हम इस पुल को भी सम्मिलित कर देंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी से न्यूज 18 लोकल के लिए पवन सिंह कोवर की रिपोर्ट।